हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और संबोधित करते समय वो कुछ ऐसी बात कह गए जिससे अब पूरा देश सोच में पड़ गया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीतों जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और ये कहा कि 5 अप्रैल को, जी हाँ 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन 9 बजे से हर एक व्यक्ति को लाइट बंद कर देनी है, वो भी पूरे 9 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद दीपक जलाना है या मोमबत्ती जलानी है या फिर आप फ्लैश लाइट को जला सकते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि मोमबत्ती और फ्लैश लाइट को जलाने के लिए क्यों कहा गया है। आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लाइट बंद करके टॉर्च, मोमबत्ती और दिया जलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा। उन्होंने कहा, जब हर व्यक्ति 11 मिनट दिया जलाएगा तो प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। उन्होंने कोरोना वायरस को अंधकार बताया है, जिसे, जी हाँ, जिसे प्रकाश के द्वारा मिटाया जा सकता है, तो प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा। उन्होंने कोरोना वायरस को अंधकार समझा है, जिससे आप मोमबत्ती, दिया और टॉर्च जलाकर अंधकार में कोरोना संकट को पराजित करने का एहसास करेंगे। उन्होंने कहा है, कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ आगे बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना होगा और इसे करने में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखना होगा। तो ये थी पूरी वजह कि आखिर क्यों 5 अप्रैल को 9 बजे, जी हाँ 9 बजे हर एक देशवासी अपने घर की लाइट्स को बंद कर देगा और दिए के द्वारा प्रकाश करेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।